वेलकम दोस्तों, हमने अपनी HTML की प्लेलिस्ट में अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली है। पिछले वीडियो में हमने लिस्ट टैग के बारे में बात करी थी और ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं ये भी हमने देखा था। तो HTML इस हिंदी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेबल्स को किस तरह से हम HTML में बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैंने अपना लाइव सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और ब्राउज़र को भी मैंने साइड बाय साइड ओपन कर लिया है ताकि जो भी हम चेंज करें वो हम यहाँ पे तुरंत देख सकें। तो अभी मैं टेबल बनाने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, हम यहाँ पे जो सिंपल टेबल टैग का यूज़ में लेते हैं वो उसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल यहाँ पे हमें टेबल टैग को ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम पहली रो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा TR टैग, क्लोज कर लिया। और इसके अंदर जब हम डाटा डालेंगे वो हम डालते हैं TD टैग के अंदर। तो ये सिंपल हमारा सिंटेक्स होता है टेबल बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट रो बन गई, इसको मान लो मैंने ID दे दिया रो 1। और इसके अंदर मैंने मान लो डमी डाटा एक बार इंसर्ट कर देता हूँ मैं, कुछ भी एप्पल। और मान लो मैं 3 कॉलम लेना चाहता हूँ तो मैं 3 डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, सेव करके इसको देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारी फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम बन के आ गई है। तो इस तरह से हमारी बेसिक टेबल बनती है। अब अगर हम इसमें रो की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हम सेम वैसे ही फिर से TR लिखेंगे और इसको ID मान लो मैं रो 2 दे देता हूँ। और इसमें भी डमी डाटा कुछ भी इंसर्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, मान लो boy 1 2 3 डाल देता हूँ उसमें। तो ये हमारी टेबल बन गई है बेसिक। अब अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल की थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इस टेबल की आउटलाइन वगैरह नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल को एक क्लास दे देंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम यहाँ पे इंटरनल CSS को यूज़ करके यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे टेबल की। पिछले वीडियोस में हमने इनलाइन CSS की बात करी थी और हमने क्लासेस वगैरह की भी बात कर ली थी कि क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम क्लास की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो मान लो मैं इसको माई टेबल नाम का क्लास दे देता हूँ और इसको स्टाइलिंग देने के लिए मुझे हेड टैग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल टैग। इस स्टाइल टैग के अंदर मैं अपनी क्लास को एक्सेस कर लेता हूँ डॉट की हेल्प से, डॉट माई टेबल। और मान लो मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इस टेबल की मेरी बॉर्डर इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी देना तो वो भी मैं दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर। मान लो ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। और इसको थोड़ा अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन ऑटो। तो अभी हमारी ये टेबल थोड़ी सेंटर में आ गई है और इसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर जो है हमारी सेंटर में भी आए, बीच में भी आए, अभी जो बॉर्डर दिख रही है वो सिर्फ बाहर बाहर हमें बॉर्डर दिख रही है, अगर हम चाहते हैं अंदर भी बॉर्डर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के साथ साथ में रो और कॉलम को भी हमें बॉर्डर की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों एक और चीज़ होती है, वो ये है कि जैसे हम रो और कॉलम को ही टारगेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने TR लिखा और TD लिखा, दोनों को अगर मैं सेम प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ बॉर्डर, तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। मान लो अंदर वाली बॉर्डर में ग्रीन कलर की दे देता हूँ, सॉरी ग्रीन तो दिखेगी नहीं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही ग्रीन है, तो मैं इसको ब्लू दे देता हूँ अभी के लिए। तो ये इस तरह से हमारी बॉर्डर आ गई है दोस्तों। अगर मैं चाहता हूँ रो और कॉलम की जो है विड्थ भी थोड़ी बड़ी हुई आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैं 100 पिक्सल देता हूँ तो इसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ गई है, रो और कॉलम की दोनों की विड्थ बढ़ गई है यहाँ पे। इस तरह से हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे सकते हैं। और इसके अलावा CSS के बारे में हम डेप्थ में जानेंगे जब हम CSS की प्लेलिस्ट को शुरू करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ HTML पे फोकस करेंगे। तो
ये हमारी बेसिक सी टेबल हमारे पास बन के आ गई है। और इसके अलावा अगर हम दोस्तों चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट रो जो है वो हेडिंग की तरह दिखे, यानी कि उसको अगर हम थोड़ा थोड़ा सा डार्क कलर देना चाहते हैं या फिर हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें टी आर और अंदर वाला जो डाटा है, सॉरी मैंने आर लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर जो टी डी वाला डाटा जो हम टी डी की हेल्प से लिखते हैं, उसको हमें टी टी एच की हेल्प से लिखना पड़ेगा। जैसे कि टी एच के अंदर मान लो मैं पहला कॉलम नाम कुछ भी दे देता हूँ, मान लो कॉलम वन कर देता हूँ, और इसी तरह से तीन कॉलम बना लेता हूँ, 1 2 3। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो एक तरह से हमारा हेडिंग के फॉर्म में हमको दिखेगा, इसका कलर भी थोड़ा डार्क दिखेगा और ये सेंटर में भी होके आ गया ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हम टी एच टैग को भी काम में ले सकते हैं। फिर इसको हमने टी एच को भी इंक्लूड कर लिया यहाँ पे बॉर्डर के साथ में, तो यहाँ पे बॉर्डर इसकी भी आ गई है। अब अगर हम चाहते हैं ये बॉर्डर जो है वो हमारी इस तरह से नहीं आए, सारी सिंगल लाइन में आए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। इसमें कोलैप्स कर देंगे तो ये बॉर्डर कोलैप्स इस तरह से हुआ नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें टेबल भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं टेबल को इसी में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो अभी हमारा बॉर्डर जो है वो कोलैप्स हो गया है। हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर अगर देना चाहते हैं स्पेशली, तो वो भी हम यहाँ पे अलग से दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो कुछ भी देता हूँ, ब्लू या फिर ब्राउन, फिर मार्जिन भी देता हूँ जो हमने पहले किया था वो हम यहाँ पे वापस कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर कोलाप्स और बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा हम स्टाइलिंग यहाँ पे बॉर्डर का टेबल का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हम चाहें तो बॉर्डर को रेडियस भी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, जो हमारी बॉर्डर है वो एकदम उसके एजेस जो है वो शार्प नहीं रहेंगे, थोड़े से राउंड हो जाएंगे। और बॉर्डर को अगर हम डोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है बॉर्डर की, आप देख सकते हो यहाँ पे, बॉर्डर वेथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टॉप, इस तरह से हम जो भी यूज़ में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्टाइलिंग का पार्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर हम रोटेट करना चाहते हैं बॉर्डर को तो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों, बीच में जो बॉर्डर आ रही है वो रोटेट है हमारी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। और बॉर्डर की रेडियस भी आ गई, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ रेडियस डॉट दिखाने के लिए, 5 पिक्सल। तो यहाँ पे बॉर्डर की रेडियस सिर्फ अंदर वाली रेडियस आई है। अगर हम सारी बॉर्डर देखना चाहते हैं तो इसको कमेंट करना पड़ेगा, और ये अंदर वाली कमेंट बॉर्डर हम देख सकते हैं कि राउंड हो गए, इसके एजेस बाहर वाले की भी राउंड हो गए। ये किसकी वजह से हुआ, ये बॉर्डर रेडियस की वजह से हुआ। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ होती है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ होती है। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करना चाहें दोस्तों, तो हम चाहें तो सारे कॉलम्स को अलग अलग विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट रो है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को विड्थ ज़्यादा देना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, विड्थ इसमें इन लाइन स्टाइलिंग का यूज़ करूँगा, स्टाइल इक्वल टू विड्थ, और मान लो मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ अभी 500 पिक्सल। इस वाले को ज़रा कमेंट कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, जो पहला हमारा कॉलम है उसकी विड्थ 500 पिक्सल हो जाएगी और बाकी की कम रहेगी। तो ये देख रहे हो, इस तरह से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मान लो 100 कर देता हूँ, दूसरी की अगर 200 करना चाहता हूँ तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो दूसरे वाले कॉलम की मैं कम रखना चाहता हूँ, 50 पिक्सल रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में रो की हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, स्टाइल और वेट की जगह में हाइट करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करूँगा। तो ये देख रहे हो, सेकेंड वाली रो जो है उसकी हाइट 100 पिक्सल हो गई है। इस तरह से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं टेबल की, कॉलम की वेट और हाइट को भी। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि
ये वाला हेडर है वो हमारे दो कॉलम में यूज़ हो, मतलब एक ही हेडर को अगर हम मल्टीपल कॉलम में यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लो मैं अभी इसको हटा देता हूँ तीसरे वाले को, और यहाँ पे मैं दूसरे वाले कॉलम में एक प्रॉपर्टी को यूज़ में लूँगा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन टू। तो ये क्या करेगा, दो कॉलम में एक ही हेडर जो है वो दो कॉलम में यूज़ होगा। तो देख रहे हो जो कॉलम नंबर टू है वो हमारा इसमें दोनों में यूज़ में हो रहा है, मतलब जो हमारी हेडिंग है कॉलम टू की वो दो कॉलम में यूज़ हो रही है। इस तरह से अगर मैं इसको थ्री कर दूंगा तो ये तीनों में यूज़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर एक और कॉलम होता तो नेक्स्ट वाले कॉलम में भी यही हमारा हेडिंग यूज़ में होता। फिलहाल मैं इसको अगर इस फर्स्ट वाले को भी अगर कमेंट कर देता हूँ तो ये तीनों में एक ही कॉलम यूज़ में आएगा, कॉलम टू। इस तरह से हम कॉल स्पैन प्रॉपर्टी को यूज़ में ले सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल रो में यूज़ में ले, अगर एक ही रो को मल्टीपल रो में यूज़ में लेना चाहते हैं तो सिंपली इसका अपोजिट रो स्पैन को हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कॉल स्पैन की जगह रो स्पैन यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारा हेडिंग था वो हमारे मल्टीपल रो में यूज़ में आ जाएगा, अगर तीन रो में किया है तो तीनों में आ जाएगा, अगर दो में किया है तो ये दो रो में आ गया। इस तरह से हमारे ये रो स्पैन और कॉलम स्पैन यूज़ में आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम HTML के अंदर टेबल और इसकी स्टाइलिंग देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी इतना ही बात करेंगे टेबल के बारे में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जब हम CSS पढ़ेंगे तो इसकी स्टाइलिंग के बारे में और बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि HTML में फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से हम उनको स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्लेलिस्ट में। HTML को हम यहाँ पे हिंदी में सीख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको किस तरह से हमारे वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।